नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरके, और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 18 अप्रैल 2021, और यहां पे 19 अप्रैल 2021 के लिए 3 स्टॉक्स इंट्राडे के लिए सेलेक्ट कर लिया है। उसके इंट्राडे लेवल बताने से पहले डिस्क्लेमर ध्यान से सुने, कोई भी पर्सनल बाइंग या सेलिंग की सलाह यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। ट्रेड करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा जरूर करें, आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी चैनल की नहीं होगी। दोस्तों डिस्क्लेमर को ध्यान में रखते हुए शुरू करूंगा। जो सबसे पहला स्टॉक मैंने आप लोगों के लिए सेलेक्ट किया उसका नाम है बाटा इंडिया। मैं बाटा इंडिया को कंटिन्यू 3 दिनों से देता चला जा रहा हूँ, और आप देख रहे हैं कि बाटा इंडिया काफ़ी अच्छा मूवमेंट में भी आ रहा है धीरे धीरे। अभी देखिए, चाहे इसको सेल साइड में ये मूवमेंट करे, चाहे वो सेल में, या फिर यहाँ से फिर ये बाय में, ज़बरदस्त 15 को भी मूवमेंट किया, 16 को भी मूवमेंट किया और 12 को भी मूवमेंट किया, माने कंटिन्यू बाटा इंडिया में भी मूवमेंट बना हुआ है। डेली के टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे तो एक अच्छा पैटर्न बनाते हुए वो ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है बाटा इंडिया। तो बाटा इंडिया का दोस्तों सिलेक्शन किया इस वजह से, तो बाय करेंगे 1330 रुपये के ऊपर, बाय 1330। पहला टारगेट होगा 1338 1338 का, दूसरा टारगेट होगा 1346 1346 रुपये का, और तीसरा टारगेट होगा 1354 1354 रुपये का। स्टॉप लॉस लेके चलेंगे 1322 1322 का। अगर ये नीचे ब्रेक करता है 1318 का तो सेल करेंगे, यानी 1318 के नीचे बेच देंगे। पहला टारगेट होगा इस कंडीशन में दोस्तों 1310 1310 रुपये का, दूसरा टारगेट 1302 1302 रुपये का, और तीसरा टारगेट 1294 1294 रुपये का। स्टॉप लॉस लगाएंगे 1326 1326 रुपये का। शुरू के 5 मिनट बिल्कुल भी आपको ट्रेड को अवॉइड करके चलना है, उसके बाद ही स्टॉक बाइंग या सेलिंग लेवल को एग्जीक्यूट करें तो ही ट्रेड करें, अदरवाइज उस ट्रेड को अवॉइड कर दें। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे मोबाइल एप्लीकेशन आरके ट्रेडिंग को गूगल प्ले से डाउनलोड नहीं किया तो ज़रूर डाउनलोड करिए, जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। वहाँ पर मैं लाइव मार्केट में कॉल प्रोवाइड करता हूँ। मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद स्टूडेंट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, माने जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे अपने मोबाइल नंबर से, मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करें मोबाइल नंबर से फिर रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो वो आपसे पूछेगा स्टूडेंट और पेरेंट, तो आपको स्टूडेंट ऑप्शन सेलेक्ट करना है, देन आप एलिजिबल हो जाएंगे लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए। जो लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए टेलीग्राम चैनल पर भी कॉल मिलता है, तो आप वहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन मोबाइल एप्लीकेशन पर मैं ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ। आगे बढ़ूंगा, सेकेंड और स्टॉक का नाम है उसका एक्सिस बैंक। सेकेंड स्टॉक एक्सिस बैंक जो है ये ट्रायंगल पैटर्न में ट्रेड कर रहा है। एक्सिस बैंक देखिए, बैंकिंग सेक्टर पूरा वीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं बैंकिंग सेक्टर कंटिन्यू डाउन में चलता चला जा रहा है कंटिन्यू, लेकिन अब ये डाउन में इसलिए जा रहा है कि बाहर कोरोना घूम रहा है, तो उसके मामला से हमारे इकोनॉमी को प्रॉब्लम आता है, तो बैंक पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, ईएमआई नहीं मिलेगा, लोन नहीं चुका पाएगा लोग, उसकी वजह से प्रॉब्लम आता है। लेकिन एक्सिस बैंक जैसा कि आप देख रहे हैं कि नीचे गिरने के बाद 15 मिनट का टाइम फ्रेम में एक अच्छा बाउंस करने का कोशिश किया, अगर ये ऊपर के लेवल को ब्रेक कर दे तो ऊपर एक अच्छा लेवल दिखा सकता है, अदरवाइज नीचे गिरेगा तो नीचे के एक लेवल को दिखाने की कोशिश करेगा एक्सिस बैंक। तो बाय करेंगे एक्सिस बैंक को 674 रुपये के ऊपर, बाय 674। पहला टारगेट होगा 678 678 का, दूसरा टारगेट होगा 682 682 का, और तीसरा टारगेट होगा 686 686 रुपये का। स्टॉप लॉस लेके चलेंगे 670 670 का। अगर ये नीचे ब्रेक करता है 664 को तो सेल करेंगे, सेल बिलो 664। पहला टारगेट होगा 660 660, दूसरा टारगेट होगा 656 656, और तीसरा टारगेट 650 652 यानी 652 रुपये का। स्टॉप लॉस रहेगा 668 668 का। फर्स्ट टारगेट के पास भी अगर स्टॉक आता है दोस्तों तो जरूर 50-70% क्वांटिटी बुक कीजिए, बाकी का आप स्टॉप लॉस सेल करके चल सकते हैं। तो ये सेकेंड स्टॉक है एक्सिस बैंक, और मोबाइल एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें गूगल प्ले से। बढ़ूंगा तीसरा और फाइनल स्टॉक जिसका नाम है चोला फाइनेंस। देखिए ये भी बैंकिंग से ही जुड़ा है, एनबीएफसी है। चोला फाइनेंस आप देख रहे हैं कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बहुत ही नैरो रेंज का एक ट्रायंगल पैटर्न बनाते हुए ट्रेड कर, हालांकि अगर आप यहां से ध्यान से देखें तो ये एक तरह का फ्लैग भी बना रखा है ना, यहां से आप देखेंगे तो दो पैटर्न एक साथ बना रखा है, एक ट्रायंगल भी है और साथ ही ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी ले रहा है, साथ ही फ्लैग पैटर्न भी है, यानी कि बेहतरीन पैटर्न पर ये ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है चोला फाइनेंस। तो चोला फाइनेंस दोस्तों अगर ये ऊपर की तरफ में ब्रेक करता है 543 को तो बाय करेंगे, बाय अबव 543 543 के ऊपर बाय करेंगे। पहला टारगेट होगा 547 547 रुपये का, दूसरा टारगेट होगा 551 551 रुपये का, और तीसरा टारगेट होगा 555 555 रुपये का। स्टॉप लॉस लेके चलेंगे 539 539 का। अगर ये नीचे ब्रेक करता है 537 तो सेल करेंगे, सेल बिलो 537 537 के नीचे सेल। पहला टारगेट 533 533,
दूसरा टारगेट होगा 529,529 और तीसरा टारगेट 525,525 रुपये का होगा। स्टॉप लॉस लेके चलेंगे 541,541 रुपये का। तो दोस्तों लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए जैसा कि पता है जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ता है और इंस्ट्रूमेंट ऑप्शन को सिलेक्ट करना पड़ता है। तो चलिए ये तीन स्टॉक्स है, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में 19 अप्रैल 2021 सोमवार के लिए। ये तीन स्टॉक्स इंट्राडे के लिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।